ब्रीडिंग करने लगे हैं कई स्पीशीज का, लेकिन ब्रीड में जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट लाना है वो हमारे पास ज्यादा उदाहरण नहीं है, ज्यादा उदाहरण नहीं। मेरे ख्याल में उदाहरण है कुछ, लेकिन और कुछ करने के लिए बाकी भी, बड़े पैमाने पर करने की बाकी है। तो इसलिए मित्रों, आप जो आज जो डिग्री लिए हैं, जिम्मेदारी आपके सामने बहुत जबरदस्त है। जलवायु के परिवर्तन की बात कर रहा था, और एक पहलू है बीमारी। मेरे लिए बीमारी से हम जूझ रहे हैं, किस तरीके से हम इससे निकल सकते। झींगा की खेती हो रहा है हरियाणा और पंजाब में, पहले जो झींगा होता था उसमें बीमारी लग गई तो वो हो गया आउट, अब सफेद झींगा की खेती हम कर रहे हैं। दूसरे दिन पर इस संस्थान के तहत प्रयास के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं बधाई दूंगा निर्देशक, कुलपति और सारे स्टाफ जो यहाँ उपस्थित सबको, क्योंकि हमारे पास एक चिट्ठी आया है माननीय प्रधान माननीय चीफ मिनिस्टर बादल जी का, कंग्रेचुलेशन देते हुए आप सबको, आपके ये जो उपलब्धि के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नमकीन पानी खाली पंजाब हरियाणा में नहीं है, यूपी में भी है, बाकी बहुत जगह है, कम बेसी उपकूली धरती जो इलाका है, समुद्रों के नजदीक जो इलाके हैं वहाँ हमारे दूसरे नमकीन पानी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और उसे जो बीमारी की मैं बात कर रहा था उस दिशा में जरूर हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ठोस कुछ अभी नहीं है। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, जितना जानता हूं डॉक्टर देना जी से बताया, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जो समझा हूं मेरे ख्याल में उसके लिए उतना मैनेजमेंट प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे मित्रों, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, मैं बताया बहुत सारे चुनौतियां हमारे साथ हैं, हमारे पास है, लेकिन ये जो संस्थान है ये एक यूनिवर्सिटी भी है, और यूनिवर्सिटी के लिए हम कई योजनाएं जैसे नया कार्यक्रम लाए हैं ग्रेजुएशन का, और उसमें किए हैं एक स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट भविष्य के लिए तैयार होंगे उद्यमी बनने के लिए। आज सुबह आपके पीपीटी यूनिट का अनावरण किया गया, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सक्सेना साहब यहाँ नहीं है जी, उनको भी धन्यवाद। और वहां चार उद्यमी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं हम वहां आते हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। कितना उद्यमी हम बना सकते हैं, उद्यमी की आवश्यकता है देश में। माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बहुत सारी चीज, स्किल डेवलपमेंट है, स्किलिंग इंडिया, बहुत सारे कार्यक्रम लाए, उसके तहत संस्थान के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम ये स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये भी करें। अच्छा लगा आपका यहां बीपीडी यूनिट बन गई, यहां इंक्यूबेशन किया जाएगा, किसका, उद्यमियों का, उद्यमियों का यहां इंक्यूबेशन होगा,
और आप सब जानते हैं ये तो एक दिशा है एक स्टूडेंट प्रोग्राम का, बहुत सारी चीजें हैं एयर प्लांट का ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत सारे कार्यक्रम है। तो वैज्ञानिक वो तो आप अभी जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, आप नौकरी नहीं ढूंढेंगे, आप नौकरी देंगे, आपको सक्षम बनाया जाएगा। सबकी बस की बात नहीं है लेकिन जो कर सकते हैं उनको उद्यमी हम बना सकते हैं और उद्देश्य आपके कदम है। कांग्रेचुलेशंस टू डायरेक्टर एंड अदर्स और इन्वॉल्व दिस। और ये भी उन्मोचन हुआ कि बेसिक रिसर्च कैसे हो सकता है और बेसिक रिसर्च करने के लिए हम बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिए, नीच एरिया ऑफ एक्सलेंस दिए हैं, यहां शायद हो ना हो लेकिन नीच एरिया ऑफ एक्सलेंस। इफ यू हैव कोई एक आधा विषय में आपका जो शोध चल रहा है उसका मान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, तो उसका किस तरीके से हम मानवर्धन और कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम हम लाए हैं ये किसके लिए आए हैं, आप सबको उत्साहित करने के, अब इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एक कार्यक्रम लाए हैं फार्मर्स फास्ट, फार्मर्स फास्ट वेरी फास्ट फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। किसान को अगर हम सशक्तिकरण किसान का करेंगे और ये जो चार पांच चीज है इसके ऊपर अगर फोकस नहीं रहेगा हम किसान फार्मर्स फास्ट में सफल नहीं। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम लाए, ज्यादा नाम बोलना चाहूंगा, अंत में इतना ही बोलूंगा, मैं दो बज चुका है, इतना ही बोलूंगा कि आपके अंदर जो असीम संभावनाएं हैं, अनंत असीम संभावनाएं जो आपके अंदर है इसका कोई तुलना नहीं है, लेकिन हम आप उसको समझते नहीं, इसलिए हमारे जो पोटेंशियल है वो छीन जाता है, उसका परिस्फुटन नहीं होता, परिप्रकाश नहीं होता। भारतीय संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाता है, उससे सीखकर अगर हम अपने अंदर छिपा हुआ लुकाए जो पोटेंशियल है जो संभावनाएं हैं उसको अगर जगाएंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं लगा सकता। ये अपने लिए खाली नहीं है, किसान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। मित्रों बहुत सारी चीज आप लोग सीखे हैं, तो सारा चीज दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन अंत में यही मैं बताऊंगा। आप बर्गर देखे होंगे, बर्गर का जो बीज है बहुत ही छोटा है, पत्थर के ऊपर गिरता है उग जाता है, बहुत बड़ा ध्रुव बन जाता है, साया देता है, सांत्वना देता है। और मैं समझता हूं आप लोग बर्गर के वही छोटे छोटे बीज है आज, और कल जब फैलोगे अपने को जब फैलाओगे यू विल प्रोवाइड शेड एंड सोलेस टू मिलियंस ऑफ डिप्राइव्ड millions of farmers who are suffering।
अपने फायदा के लिए नहीं सोचना है, खाली त्याग की जीवन की आवश्यकता है। त्याग के बिना आपके पास जो टारगेट है, सामने जो टारगेट है, वहां पहुंचना संभव नहीं होगा आज के लिए। तो मित्रों, आप जो बरगद के जो छोटा बीज है, आप उगोगे, बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे, अपना जितना पोटेंशियल अंदर है उसका परिप्रकाश होगा, और आप दुनिया के शिखर स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ही बोले थे, राइज एंड अवे। अब अगर हम उठेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, क्या करेंगे? कुछ नहीं उपलब्धि होगा। आजकल के डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही, ट्विटर है, फेसबुक है, क्या क्या नहीं है। अब यहां बैठ के कुछ देख ही रहे होंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको इस्तेमाल करिए, अच्छा के लिए इस्तेमाल करिए, काम में लगाइए, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसको इस्तेमाल मत करिए। मेरे मित्रों, युवा मित्रों, आपके सामने बहुत कुछ रखा, लेकिन अंत में यही बोलना चाहूंगा, यू ग्रो, यू स्प्रेड एंड प्रोवाइड दैट सीड एंड सोलेस टू मिलियंस ऑफ दी सफरिंग फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निर्देशक उनको भी नौ भेजा, उन्हें यहाँ बुलाए, समय दिया बात करने के लिए। डॉक्टर जिन्ना डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, उनको भी धन्यवाद देगा हमें यहाँ आने के लिए मौका दिए। और सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं, हमारे खुशी का कोई सीमा नहीं है। आपके साथ हमारे संपर्क बहुत अच्छा रहा है। गोवा में रीजनल कमेटी में आप दो दिन पूरा बैठे रहे सेशन में, अब जो भी हो रहा है महाराष्ट्र में उसके बारे में चर्चा किया। अभी एजीएम का मीटिंग था, उसमें भी आप होते आए थे, आपका बात हमें अच्छा लगता है। और बाकी एमपी महोदय और गजानन कृतिका साहब, हमारे तरफ से हम धन्यवाद देते हैं शोभामंडन करने के लिए, ये सभा की शोभामंडन करने के लिए। और मैडम भारती लविका जी को भी धन्यवाद देंगे हम अपने तरफ से, तो यहाँ पूरा समय लगाए, 11:30 बजे शुरू हुआ, अब 2 बज चुका है, पूरा समय रहे, इसलिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संस्थान के समस्त कर्मचारी, वैज्ञानिक, फैकल्टी मेंबर, जितने भी यहाँ उपस्थित, सबको तहे दिल से बधाई देता हूं। और आगे चलने के लिए हमारे सपोर्ट जहां जहां आवश्यकता हो, कभी कभी उसमें कमी नहीं होगी, हमारे पास जितना रिसोर्स होंगी उसी में से हम देंगे, लेकिन जरूर आपका जो आवश्यकता हो उसको जरूर पूरा करेंगे। कई आवश्यकता आज हमें देखा हो उसको जरूर पूरा करेंगे। और आपने मेरे युवा वर्ग को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं, और बोलते हुए इतना ही बोलते हुए मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान के निदेशक
एवं सभी सहकर्मियों की ओर से मंच पर आसीन एवं सभा में उपस्थित सभी गौरवशाली एवं माननीय अतिथियों के समक्ष एक विनम्र धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और सच कहिए तो थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि उस पोडियम से इस पोडियम में मेरा स्थानांतरण शीघ्र ही हुआ। पर आप, समय बहुत कम है, पर आपको बिल्कुल ना घबराएं, मेरे पास केवल चार पन्ने हैं धन्यवाद प्रस्ताव के। ऑन अ सीरियस नोट, किसी भी संस्था की प्रगति, विकास एवं बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि जिनके हाथ में नेतृत्व की कमान हो उनकी दृष्टि अर्जुन की तरह अचूक हो और दिशा की पैनी पहचान हो। और यह हमारा सौभाग्य है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें न केवल मंजिल की पहचान है बल्कि सहकर्मियों को प्रेरित करने की शक्ति है और मंजिल को पाने की भी शक्ति और जोश है। सर, हमें बहुत खुशी है कि इस समारोह में आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ शामिल हुए और आपने इसकी शोभा बढ़ाई और आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन से न केवल दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र बल्कि हम सभी लाभान्वित हुए। हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि माननीय श्री कीर्तिकर जी, जो हमारे ही क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं, और माननीय श्री भारती लवेकर जी, जो इसी क्षेत्र से विधायक महाराष्ट्र सरकार हैं, इन जैसी विशिष्ट हस्तियों ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि होना स्वीकार किया। जनाब, आपका साथ, सहायता और प्रोत्साहन इस संस्थान को पहले भी कुछ अवसरों पर प्राप्त हुआ है और ये साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं और हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से हम मानसिकी और अन्य विकास के क्षेत्रों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेरा गांव मेरा गौरव में बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। हमारे साथ थोड़ा देर ही सही लेकिन जुड़ने के लिए श्री जंगर जी, फिशरीज मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मंच पर आसीन उप महानिदेशक मात्सिकी श्री डॉक्टर जे के जैना जी की भी मैं बहुत आभारी हूँ और उनको, लेकिन उनको सम्मानित अतिथि कहने में मैं थोड़ा हिचकती हूँ क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वो यहाँ आरएसी में आए थे। वो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल हिम अ गेस्ट एंड ही वाज हियर अ फ्यू डेज अगो टू अटेंड आवर आरएसी मीटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग एंड प्लानिंग ऑल द इवेंट्स। ही गेव हिज फुल टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट्स टू प्लान दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। On behalf of all CIP staff and scientists, it gives me great happiness to thank our young, enthusiastic, energetic and industrious director, Dr. Gopal Krishna, for his successful and efficient management of this organization. It is very important for the manager to know कि किसमें कितनी क्षमता है, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड हु इज टू बी गिवन व्हाट टास्क, एंड सर यू हैव मैनेज्ड दैट विद फुल ग्रेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन अस। वी प्रोफ्यूसली थैंक डॉक्टर बी के दास, डायरेक्टर सिफरी बैरकपुर, डॉक्टर रविशंकर, डायरेक्टर सीआईपी कोची, हु आर मेंबर्स ऑफ आवर एकेडमिक काउंसिल एंड आर ऑन द डायस विद अस। I am also deeply obliged and thankful to Dr. Kuldeep Lal, Director MHR, Dr. Patil, Director Silcott, Mumbai, Dr. Chope, in charge NIO Mumbai Center, who have taken out precious time to be with us and join us for this happy occasion, and who will also contribute to the exciting events which are scheduled over the next few days. We are extremely heartened to have with us illustrious stalwarts who have shaped CIFE with their vision and efforts. I can see seated before me in the front rows, Dr. Gopal Kumar, Dr. S.D. Tripathi, Dr. Desai sir, Dr. Dilip Kumar sir, Dr. Mukherjee sir, Dr. Lakra sir, all former directors of CIFE, and Dr. Kajbiye, former in charge NIO Mumbai Center,
and Dr. Nimbolani, the talented artist and nonagenarian who is actually the youngest member of CIFE Parivar. He has recently completed his 90 years, but he can still draw with a steady hand. So we welcome you here, sir. Thank you very much to our seniors for their gracious presence and continued support and guidance. It gives me immense pleasure to congratulate and thank the students who have come here in person to receive their degrees and also their parents who have come to grace this occasion. Thank you very much. I am delighted to thank the better halves, family members of CIFE staff who are with us today and always. I can see Mrs. Gopalakrishna, who is a scientist in her own right, and Mrs. Bakra and all the others. Thank you very much for gracing this occasion. I deeply thank all our platinum, gold and silver industry sponsors, those who have set up stalls advertised in the souvenir, and all our sister institutes, CIFA, CIMFRI, CIBA, CIFRI, CIFE, DCFR, NBFGR, and also NIO and CIFCOT, who have contributed to this event and set up exhibition stalls. And we are extremely grateful to you for your contribution and for injecting this event with the vitamin M, without which it is very difficult to execute anything. Thank you very much for your contributions. I also thank the present media members, which I think are our in-house team of new budding journalists. Thank you very much for covering this event. And finally, I reserve my thanks to my fellow CIFE Parivar members. As you all know, that it is only in a cricket match that the score goes up in sixes and fours. Here, most of our efforts can be equated to running between the wickets, because it's only hard work by which we can, you know, amass our marks and also our scores and also the achievements which our beloved DG was just talking about. And you have all perspired and ran between the wickets with great speed and with great harmony. Thank you everyone, all of you, all the committee members and all the staff who have contributed directly or indirectly to the organization of this event. Finally, I thank one and all. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं हमारे प्रोसेस चीफ श्री महेश खुबीकर जी से फिर से मंच पर आने का अनुरोध करूंगी। विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम मैं कुलपति महोदय से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। कुलपति महोदय के अनुरोध से मैं दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।